सब गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, मैं स्पेशल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर आज फिर से हम लोग क्लास का 5 days की क्लास का आज सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो कल जहां हम लोग क्लास के 18 नंबरों में चल रहे थे, क्लास 10th की क्लास में 18 नंबरों की लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरे कर लिए थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं उसके आगे के चैप्टर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। तो किसी भी समीकरण को अगर हम ये रूप दे दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर हम इस रूप में किसी भी समीकरण को लिख देते हैं तो वो कहलाता है द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब x की घात कितनी होगी, मैक्सिमम 2 हो गई। अगर x की घात मैक्सिमम 2 हो जाती है तो उसे हम कह देते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये मिल गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उन फॉर्मूलों में सबसे पहले जैसे कि पूछा जाता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का पी अपॉन ए। अगर दो रूट्स मान लेते हैं, एक अल्फा रूट है दूसरा बीटा रूट है, तो दोनों को जोड़ने पर मतलब सम ऑफ रूट मतलब मूलों का योगफल जो होगा वो माइनस का बी अपॉन ए होगा। यहां से बी का मान रख देंगे, यहां से ए का मान रख देंगे, दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपके सामने हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सिंपल सा फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूले को लिख लेंगे और उन्हीं से ही, क्योंकि इस बार आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना कि 20 मार्क्स के आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यूज हैं, जो OMR में आपको फिल करने हैं, और OMR में फिल करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बनाना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस को OMR में इजीली रख सकते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन दे दिए आपसे, पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, या फिर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दोनों में से कोई चीज पूछ सकते हैं, मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल। तो सिंपल से ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, दे दिया जाता है, पूछ लेते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग भट्टी जी। एक और फॉर्मूला होता है मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब समीकरण बनाना, एक द्विघात होता है ना, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर लेना पड़ता है, माइनस लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और एक्स लिखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, बराबर जीरो रख देते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हम ऐसे बना सकते हैं अगर हमें उसके रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू पता हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम रूट्स रख सकते हैं। जल्दी से फॉर्मूलों को लिख लो, मैं फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट कराता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, फटाफट लिख लो जल्दी से। अच्छा वंशिका भट्टी, बाहुबली, और सभी लोग कहाँ हो, जल्दी से ज्वाइन कर लो फटाक से ताकि आगे बढ़ सके। ठीक है,
तो अब हम लोग बात करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस की कि इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके लिए आता है फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ये हमने लिख लिया। इतने फॉर्मूले लिखने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। फॉर्मूलों को लिखने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा डाउट नेट वाले भी तो बढ़िया, फिर पढ़ लो जाकर के अगर पढ़ा रहे हैं तो अब समझ गए बाबू तुम क्या कहना चाहते हो। समझ आ गया तुम जो बताना चाहते हो। हाँ समझ गए, मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना डाउट नेट वाले, ठीक है अच्छी चीज है हिंदी में पढ़ा रहे हो। हाँ तो शुरू करते हैं कि ये दिया गया है क्वेश्चन और आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स का मतलब 1/α + 1/β आपसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड आउट करके बताइए। ये आपसे कहा जा रहा है निकालने को। क्या इस क्वेश्चन को लगा सकते हो अमरेंद्र बाहुबली? स्टार्ट करो तो बताओ क्वेश्चन लगा सकते हो। जल्दी से बताओ हमें क्या ये कर पाओगे। हाँ लग जाएगा, ठीक है गुड। तो लगा दो और अच्छा बताओ इसमें, देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के एलसीएम को बराबर कर लेते हैं। जो एलसीएम को बराबर करोगे तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ये मिल गया। और इस वाले से हम लोग क्या कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, we know that alpha plus beta is equal to minus का b upon a होता है। तो b की जगह पे यहाँ कितना दिया minus का 7 दिया था, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे b की जगह पर minus का 7 बिल्कुल सिमिलरली। और a की जगह पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है 1 होता है। मतलब alpha plus beta की वैल्यू तो हमें मिल गई, alpha plus beta की वैल्यू कितनी आ गई minus plus हो जाएगा, 1 से डिवाइड मारोगे तो 7 ही आ जाएगा, alpha plus beta की वैल्यू हो गई 1। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहां से देखते हैं। अगर इसको कंपेयर करना चाहते हो तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें जो लिखाई थी। तो ए की वैल्यू यहां से, बी की वैल्यू यहां से, सी की वैल्यू यहां से। तो सी की वैल्यू क्या है यहां पे 12 है और नीचे ए की वैल्यू 1 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया 12 आ गया। दोनों वैल्यूज को उठा के यहां पुट कर दो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब बीटा प्लस अल्फा दोनों बराबर ही होंगे, 7 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 12 आंसर। हां ठीक गुड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रूट 3 एंड 1/3। चलो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए जो आपको रूट्स दिए गए हैं मतलब मूल दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3 एंड 1/3। मतलब अगर ये अल्फा की वैल्यू है तो ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू दी गई है। आपसे कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो
तो क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण आपको बनाने को कहा जा रहा है। द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे? द्विघात समीकरण का मेन फॉर्मूला जो होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और x प्लस का अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो सिंपल सा हमें अल्फा और बीटा का मान पता है, ये तीन है, ये एक बटा तीन है, तो यहां रख देंगे तीन प्लस एक बटा तीन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब तीन का गुणा एक बटे तीन से करा देंगे बराबर जीरो। यहाँ तीन से तीन कट जाएगा बिल्कुल सिंपल आसान से। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे तो तीन क्या नौ हो जाएगा, नौ प्लस एक बटे तीन और ये हो गया एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसके बाद तीन का मल्टीप्लाई सबके साथ करा देंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और ये नौ एक दस हो जाएगा x प्लस का तीन और पूरे के बटे में तीन बराबर जीरो। इस तीन का गुणा जीरो से मतलब अगर हम उस पार भेज देते हैं तो इसका गुणा हो जाएगा जीरो से और इसका मान हो जाएगा खत्म। तो आंसर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टेन एक्स प्लस का थ्री बराबर जीरो। ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। ठीक, नोट कर लो। फिर अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे इफ x इज इक्वल टू समथिंग एंड x इज इक्वल टू समथिंग आर द टू रूट्स। ठीक है, x के दो रूट्स आपको दिए गए हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपसे पूछा जा रहा है k और m का मान क्या होगा। c is equal to 1, c is equal to 1 वहां पे कौन सा लगा दिया c is equal to 1? अच्छा c is equal to 1 वैल्यू पुट कर दिया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत कहाँ है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, बहुत देर कर देते आने में। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक एक्स की वैल्यू दी गई है दो और एक एक्स की वैल्यू दी गई है तीन, तो आपको फाइंड करना है मतलब ज्ञात करना है के का मान और एम का मान, ये दोनों वैल्यूज ज्ञात करनी है। कैसे निकालोगे, क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो भी देखा है, मान लो एग्जाम में आ गया है तो क्या कर सकते हो, इसमें क्या चीज अप्लाई कर सकते हो आप जिससे इसका आंसर आसानी से निकलना है, जल्दी से बताओ। क्या करेंगे, एक बार हम लोग एक्स की जगह पर रख देंगे दो, एक्स बराबर दो रखने पर एक्स बराबर दो रख देंगे, एक्स बराबर दो रखोगे तो ये हो जाएगा थ्री टू का स्क्वायर माइनस टू के एक्स की जगह पर टू प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो। थ्री ये हो जाएगा फोर, दो दूनी चार के और प्लस का टू एम इज इक्वल टू जीरो, चार दिए बारह हो जाएगा। ठीक, चार दिए बारह, अगर हम इस पूरे को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू एम माइनस फोर के और प्लस का बारह इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर एक बन करके तैयार हो गई। उसके बाद दूसरी एक्स की वैल्यू रख देते हैं इसमें, एक्स बराबर तीन रखने पर, एक्स बराबर जब तीन रखोगे तो तीन और जो तीन रखोगे तो तीन का स्क्वायर डायरेक्ट सीधा लिख देते हैं नौ माइनस तीन दो छह हो जाएगा के और प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो। पूरे को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा टू एम माइनस का सिक्स के और नौ त्रिक सत्ताईस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर दो, दो इक्वेशन आपके पास बन गए लीनियर इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट, हाँ हाँ डिस्क्रिमिनेंट के करा देंगे, डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन करा देंगे।
पहले इसको और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मिल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट भी मिल जाएगा, माइनस का 4k प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, और यहां पे क्या है 2m, माइनस का 6k प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख दिया, दोनों इक्वेशंस को लिख करके सॉल्व करेंगे तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे, कट घटा देते हैं तो ठीक है। तो यहाँ 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा अगर तो बन जाएगा 2 के, और 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचा 15 माइनस का 7 में से 2 गया तो बचा 5, 2 में से 1 15 बराबर 0। इसको अगर ट्रांसफर कर देंगे तो k इज इक्वल टू हो गया 15 टू k इज इक्वल टू 15 और k इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2, k का मान है 15/2 ठीक, एक वैल्यू तो निकालनी थी। अब m की वैल्यू निकालनी है तो k का मान भाग करके किसी भी एक समीकरण इन दोनों में से रख दो, आंसर निकल आएगा। तो अगर हम इसमें रखें, इसमें पुट कर दें k का मान, तो देखो k का मान कैसे निकलेगा, ऊपर वाला सब नोट हो ही गया होगा, और अगर ऊपर का नोट हो गया है तो इस जगह को खाली कर लो जल्दी से और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन था 2m माइनस 4 इंटू k की वैल्यू 15/2 प्लस 12 जो है 0, 2 × 4 हो गया, तो 2m माइनस 15/30 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, तो 2m 30 में से 12 गया तो यहाँ बचेगा 8 ठीक है, और 2 में से 1 गया 1 बचा 18, इसको उधर भेज देंगे तो यह जाएगा 18/2 मतलब 9, m की वैल्यू कितनी आ गई 9, m की वैल्यू आ गई 9, k की वैल्यू आ गई 15/2, दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिए। यह क्वेश्चन हो गया। कैसे निकाल दी बाहुबली, गलती मत करो, हो गया बताओ m की वैल्यू में गलत निकाल दे रहे हो। चलो नया क्वेश्चन देख लो, 9 आदि ने 9 ही गलत करेक्ट आंसर है, ये वैल्यू को यहां उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो, आंसर आ गया। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ वैल्यू 9 ठीक करेक्ट। नया क्वेश्चन देखिए, अगर तो नए क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड रूट्स ऑफ, रूट्स निकालने हैं आपको x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, इसके आपको रूट्स निकालने मतलब मूल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करोगे मूल, मूल कैसे ज्ञात किए जाएंगे, कोई कर पाएगा जल्दी से बता दो, क्या ये मूल ज्ञात कर पाएंगे हम लोग, मूल ज्ञात करके बताइए। चलो ठीक है, आप लोग उधर ज्ञात करो, हम इधर ज्ञात करते हैं दोनों का। तो यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x ठीक है। एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या किया इसका, यहाँ गुणा कराया, सबके नीचे x आ जाएगा, इस x को यहाँ भेज दिया 3x हो गया, इसको इधर कर लो तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, यहाँ की संख्या हो गई छोटी, ये हो गया 1 और यहाँ की संख्या हो गई 3, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका गुणा कराने पर क्या हो, यहाँ पर छोटी संख्या मिले और यहाँ पर जोड़ने पर उसे क्या, गुणा कराने पर बड़ी संख्या मिल जाए, तो ऐसा तो कभी है ही नहीं जोड़ने या घटाने पर ठीक।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे धारा चार वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, और उसके बाद नीचे टू वैल्यू। तो यहां से हम लोग ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। ए बी सी की वैल्यू क्या, यहाँ बी की वैल्यू है माइनस का तीन, तो माइनस का तीन रख देंगे, प्लस माइनस रूट ओवर बी की वैल्यू क्या है, माइनस का तीन है, तो माइनस का तीन माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू जो यहाँ लिखा होता है कुछ नहीं है तो वन हो गया। सी की वैल्यू जो यहाँ लिखा होता है, लिखा है माइनस का वन, पूरा लिख दिया, नीचे टू हो गया वन, ए की वैल्यू हम लोग लिख ही चुके हैं, यहाँ से वन है, पुट अप कर दी, तीन लिखा है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस मतलब थ्री बचेगा सिर्फ और सिर्फ थ्री, और ये प्लस रूट ओवर माइनस तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ, प्लस का और माइनस माइनस प्लस चार एकम चार, नौ चार तेरह हो गया यहाँ पे, और नीचे दो एकम दो, तो एक बार प्लस में है दूसरी बार माइनस में है, नौ चार तेरह, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी थ्री प्लस माइनस रूट ओवर तेरह डिवाइडेड बाई दो, इट मीन्स x इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट थर्टीन डिवाइडेड बाई टू एंड थ्री माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, दो आंसर आपके सामने आ जाएंगे, एक एक्स बराबर यह आएगा, दूसरा एक्स बराबर पूरा आंसर हो जाएगा। अब आगे ये क्वेश्चन कैसे आ गया सबको समझ में, और इसके बाद ये नया क्वेश्चन एक और दिया गया है इसी टाइप में। हाँ 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 ठीक 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 करेक्ट आंसर सही है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वन इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहां देख रहे हैं इसका भी कोई रूट नहीं दिया गया है, मतलब आप डायरेक्टली प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करा करके नहीं निकाल सकते। तो इसके दो मेथड मैंने बता रखे हैं, एक होल स्क्वायरिंग मेथड बता रखा है और एक बता रखा है फॉर्मूला। तो दोनों मेथड में समझा दे रहा हूं, अगर आपको कह दिया जाता है कि जिस मेथड से करना है तो वो आपकी नेसेसिटी बन जाती है, मतलब जरूरत बन जाती है कि आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अगर आपसे वो कह देता है कि होल स्क्वायरिंग मेथड मतलब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लगाओ, तो आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी पड़ेगी। अगर वो कह देता है कि द्विघात समीकरण से सॉल्व करें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं लिखता है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि जितना इजी, जो भी मेथड आपको इजी लगता हो उससे लगा लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि आप इसमें फॉर्मूला लगाइए या फिर आप होल स्क्वायरिंग मेथड से, ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला को हम लगा करके देख लेंगे और दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है जो कि सबसे आसान है, सब लोग जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइडेड बाई टू, सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो बी की वैल्यू दी गई है माइनस माइनस का टू रूट सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर टू रूट सिक्स का माइनस का टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री और इंटू टू, यहाँ की वैल्यू टू हो गई, ए की वैल्यू थ्री हो गई, सी की वैल्यू टू हो गई, आप इनके नीचे आ जाते हैं टू इंटू ए की वैल्यू थ्री कर दी, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू रूट सिक्स बचेगा प्लस माइनस रूट ओवर चार बचेगा और इंटू रूट हट जाएगा छह बचेगा सिर्फ, रूट सिक्स का क्या होगा, रूट हट जाएगा सिर्फ और सिर्फ छह बचेगा, माइनस चार तीन बारह दुनी चौबीस, चार तीन बारह दुनी चौबीस हो गया, डिवाइडेड नीचे बाई तीन दुनी छह लगा दिया, एक्स इज इक्वल टू हो गया टू रूट सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर छह को चौबीस मतलब चौबीस माइनस चौबीस कट गया, क्या बचा जीरो, तो इस वैल्यू का काम खत्म, बचा के नीचे छह बचा सिर्फ और सिर्फ। एक्स की वैल्यू की बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी टू रूट सिक्स अपॉन सिक्स, टू रूट सिक्स अपॉन सिक्स ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दोगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इसका आंसर कितना लिखा है, माइनस का वन प्लस माइनस रूट ओवर माइनस थ्री बाय टू, बाहुबली आंसर क्या लिखे थे इसका, बाहुबली आंसर डिफाइन करो इसका, हाँ हाँ वो बजरंगी सही बता रहे हो, तो बता रहे हो वो सही है कि इसको जब हम यहां से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा थ्री और ये बन जाएगा रूट टू इंटू
रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री ऐसे लिख सकते हो थ्री थ्री करके, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर, यहाँ से थोड़ा सा डिफर आ रहा है। इसमें जो लिखा है ये अलग लिखा हुआ, इसको बाहुबली बताओ क्या है आंसर, क्या लिखे दियो हमें। अंडर रूट टू अपॉन थ्री, यही आएगा आंसर, देखा हुआ है। यहां तो ये कुछ और लिख के देखे गए हैं इसलिए मैच नहीं कर रहा हूं, यही आंसर होगा, लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा ना। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके फिर से देख लो क्या चीज में सुनिए। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, बी की जगह पर माइनस का टू रूट सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर इसका चार हो जाएगा और इसका छह बचेगा, माइनस चार इंटू तीन इंटू दो, ये भी सही है, डिवाइडेड बाई टू इंटू थ्री आ जाएगा, ये भी सही। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस रूट ओवर सिक्स प्लस माइनस कहा बच जाएगा, चौबीस माइनस चौबीस डिवाइडेड बाई ये तो गया चल बस सर, और टू रूट थ्री अगर हम दूसरा लिख देते हैं तो रूट सिक्स अपॉन थ्री बच रहा है, रूट सिक्स अपॉन थ्री। तो इसमें आंसर कैसे गलत लिख दिया, वहां बता रहे हो रूट टू अपॉन थ्री, ऐसे तो ये रूट थ्री रूट टू अपॉन थ्री तो आ रहा है, लेकिन हम उसका नंबर मैच करा रहे हैं, आंसर दिया फैक्टर से करो, फैक्टर से करा के दिखाते हैं। फैक्टर से ऐसे होगा, फैक्टर से वैसे ये फैक्टर से तो होने वाला है नहीं, पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करा देते हैं। उसमें क्या करना होता है, माइनस का रूट टू सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू ए बी से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस हटा है इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी लगाया जाता है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, माइनस का टू ए बी, माइनस का टू ए बी उठा लिया, माइनस का टू ए बी उठा करके इसके बराबर कर देंगे सीधे सीधे, तो टू रूट सिक्स एक्स यहाँ की वैल्यू अगर देख जाए यहाँ की वैल्यू क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इस लाइन को, रूट थ्री इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस का टू रूट सिक्स एक्स और प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, अगर माइनस को माइनस हटा दे, माइनस को माइनस कट गया टू से टू कट गया, यहाँ बचे सिर्फ और सिर्फ रूट सिक्स एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे तो ए की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स लिख सकते हो, रूट थ्री एक्स और बी की वैल्यू ऐसे छोड़, एक्स से एक्स कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी रूट सिक्स अपॉन रूट थ्री, रूट सिक्स अपॉन रूट थ्री आ गई। इसको भी अगर आप चाहें सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, रूट थ्री कट जाएगा बचेगा सिर्फ और सिर्फ रूट टू, रूट टू सिर्फ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तीन दूनी छह कर देंगे, रूट कट के बी की वैल्यू आ गई। अब इतना ही इसमें जोड़ देना है और इतना ही इसमें घटा देना है, बस आपका बन गया। तो जब जोड़ोगे तो रूट टू का स्क्वायर कर देंगे और घटाएंगे रूट टू का स्क्वायर प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ये आ गया। अब पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट थ्री एक्स और ये क्या है माइनस का रूट टू और का होल स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा टू प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो, ये तो पूरा कट गया जीरो हो गया, ठीक है। क्यों, देख लो ये पूरा लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है टू ए बी और ये लिखा है प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, लगा दिया। ये वाला बचा सिर्फ यहाँ पे रूट टू एक्स माइनस टू का और एक ब्रैकेट में फिर दोबारा ये चीज लिख देंगे रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, दो बार लिख ली जाएंगी क्योंकि दो बार दोनों बार जीरो के बराबर कर दो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू रूट टू रूट टू अपॉन रूट थ्री लिखते हैं या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें रूट टू अपॉन थ्री, या होल स्क्वायरिंग मेथड से मैंने लगा करके दिखा दिया कि होल स्क्वायरिंग मेथड से भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है दोनों जगह से।
अच्छा बंदर पूरा रूट ले लिया गया है, बाकी आंसर सही है। हाँ तो सही तो है ही है, ठीक है। तो ये वाला ये मेथड है, दो मेथड मैंने बता दिए, टाइप दोनों टाइप से आप लगा सकते हो। अगर आपके पास बताया नहीं जाता है कि ये कैसे करना है, जब तक आपको ये बताया ना जाए तब तक कि आपको कैसे करना है, इसको इसी तरीके से लिखा होता है लोग, चाहे ये वाला मेथड लगा दो चाहे ये वाला मेथड लगा दो, क्योंकि रूट जब वगैरह होते हैं तो रूट में या तो ये मेथड सफल होता है या तो ये मेथड सफल होता है। वो जो गुणनखंड विधि होती है वो गुणनखंड विधि नहीं लग पाती कि इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कराएं फिर उसको रूट में बदलें, रूट वाले में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। हाँ आप सही है, ठीक। तो दोनों मेथड हैं, दोनों मेथडों से आप लगा सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ अब आपका आता है डिस्क्रिमिनेंट। थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जान लेते हैं, मतलब विविक्तकर इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है, ठीक है। इसके तीन कंडीशंस होती हैं, तीनों कंडीशंस मैंने दिखाई थी आप सबको, वही तीन कंडीशंस इस पे लागू होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी याद है किसी को? दे दिया जाता है कि फैक्टर से ही करो। हाँ 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 हाँ, तो आप क्वेश्चन में दे दिया जाता है, क्वेश्चन में अगर दे दिया जाता है तो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो कैसे मानो वैसे कर दो। इसमें तीन कंडीशन आती है, पहली कंडीशन होती है डी इज लेस देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो तो क्या हो गए, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। मूल मूल का मतलब रूट्स होता है और वास्तविक मतलब रियल, वास्तविक नहीं मतलब नो रियल रूट्स, ओके, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। और दूसरी बात करते हैं डी इफ इज इक्वल टू जीरो, डी इफ इज इक्वल टू जीरो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक, वास्तविक और समान, रियल रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ये समझ गए। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, d इज ग्रेटर देन जीरो अगर हो जाता है तो रूट्स आर इमेजिनरी, वास्तविक और असमान क्या हो जाएंगे, वास्तविक और रियल और अनइक्वल मतलब असमान, असमान मतलब अनइक्वल, बाकी वास्तविक का मतलब समझिएगा हो गया एंड और ये हो गया रियल, ठीक। तो इतने ही हमारे पास प्रॉपर्टीज रखती है, इतनी प्रॉपर्टीज लगा करके हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है एक चीज और दे देते हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स इक्वल, इफ रूट्स इक्वल इट मींस कि मूल बराबर होंगे, मूल बराबर है तब क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो लगा सकते हैं। सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से काफी वैल्यूज निकालने के लिए आपसे कही जाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट में सिर्फ इतना पूछा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तकर, विविक्तकर से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहली याद रखनी है कि अगर बी का मान जो है जीरो से छोटा होगा तो कैसे मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब इमेजिनरी होंगे। इसके बाद कहते हैं डी इज इक्वल टू जीरो मतलब डी अगर जीरो के बराबर हो जाता है तो रियल और अनइक्वल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, रियल होंगे रूट्स और कैसे होंगे इक्वल होंगे। तीसरी बात करते हैं डी का मान अगर जीरो से बड़ा हो जाता है, जीरो से बड़ा तो वास्तविक और असमान मतलब रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन को लगाते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कि अगर कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो। ठीक है,
आपसे कहा जा रहा है थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 12x plus m is equals to zero. आपसे कहा गया है find the value of m, मतलब m का मान ज्ञात करो जब इसके मूल क्या हो बराबर हो, roots are equal. If the roots are equal then find the value of m. m का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है. तो बताओ जल्दी से m का मान क्या आने वाला है, कोई जल्दी से हमें बताएगा कि m का मान क्या आने वाला है. m का मान निकालने के लिए क्या करना है, मैंने जैसे कि बताया if roots are equal मतलब मूल बराबर है तो b square minus 4ac बराबर 0 लगा देते हैं. तो b square b की वैल्यू यहां से अगर हम कंपेयर करें ax square plus bx plus c बराबर 0 अगर दे दिया जाता है तो a का मान यहां से 3 आ जाएगा, b का मान माइनस का 12 आ जाएगा, c का मान m आ जाएगा. देखो ये इसकी जगह लिखा है, ये इसकी जगह लिखा है, ये इसकी जगह लिखा है, तो a b c तीनों का मान निकालिए. 12 बस समझ में 12 आ गया, ठीक है, m का मान 12 आ गया. तो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू हो गई m is equals to 0. ये 144 माइनस 4 के 12 आ गया, m आ गया is equals to 0. इस वाले को उधर भेज दो तो 12 m is equals to 144 and 144 is divided by 12, it means 12, m is equals to 12. फाइनल आंसर m की वैल्यू निकालें. एक्सपेरिमेंट में m की वैल्यू निकालने के लिए या k की वैल्यू निकालने के लिए या abcd कोई लिखा होगा, ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए अगर आपसे कहा जाता है तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको ये बताया जाएगा कि रूट्स आर इक्वल, व्हेन द रूट्स आर इक्वल देन b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4ac इज इक्वल टू 0. सिंपल सा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि another question is that p x square minus 2 root 5 x plus 15 x is equal to 0. Find the value of p when the roots are equal. अगर मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करो और हमें बताओ जल्दी से, तब तक मैं इंक डाल देता हूं मार्कर में, फटाक से बताओ आंसर वह क्या होगा. आंसर वह बताओ अभी, चलो भोजपुरी बोला जाए, किसे आओ तो भोजपुरी बताओ. रजत बाबू भोजपुरी जान ले, बाहुबली बताओ जल्दी से आंसर क्या आया. फॉर्मूला सेम है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 इनटू a की वैल्यू p है, c की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू 0 लगा दे, p इज इक्वल टू 3. गुड, देखते हैं, मुझे नहीं पता, 4 इनटू 2 माइनस का 15 चौके 60 हो गया, तो 60 p इक्वल्स टू 0. इस वाले को उधर भेज देंगे, 16 p इज इक्वल्स टू 4 8 कितना ही है, 3. 3 कैसे निकल रही, मेरी ना निकल रही 3, कैसे 3 आ गई बताओ सर, हमें देखिए मेरी ना निकल रही 3, आप लोगों की 3 कैसे आ गई, कुछ तो गड़बड़ है यार, ठीक है.
देखो शायद कहीं गड़बड़ है क्या। पंद्रह 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 चौको साठ पी ठीक है और रूट फाइव लिखा है देखो हमने रूट टू लिख रखा है हाँ बता दिया अच्छी बात करी बीस। ओके तो ये हो गया 20। यहाँ 16 लिख रहे हैं, 15 चौको 60, पूरा हम ही गलत कर रहे हैं, तुम लोग सही हो। हाँ हम समझ गए तुम्हारी गलती है, ये 4 है, ये 5 है और ये 15 चौको 60 है, उसको 16 लिखे बैठे थे ना। 60 P = 5 चौको 20, P = फिर भी तुम लोगों का गलत आंसर आया, बताओ कितनी गलत बात है। 1/3 आ रहा था आंसर, कैसे तुम लोग लगा रहे हो। फाइंड द करेक्ट आंसर, गलत गलत रॉन्ग रॉन्ग कर रहे हो लेकिन आंसर भी तो निकालो सही। पी की वैल्यू 1/3 आ रही ना कि 3, बताओ छुटकू सा आंसर है उसको भी गलत कर दिले, गलत बात है। हाँ 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, आंसर वही आएगा गलत करके मत लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मेरी तरफ भी मत लगाना क्योंकि हम ऊपर कुछ देखते ही नहीं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीचे सॉल्व करते रहते हैं ना। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर व्हाट की, के की वैल्यू और एक जगह पर दी गई है, आपसे कहा जा रहा है 2x square plus kx plus 3 is equal to 0, करेक्ट लिखा है। हाँ ठीक, करेक्ट है। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बताओ जल्दी से बता दो। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रियल रियल एंड इक्वल, जल्दी बता दो। अगर मूल रियल है मतलब वास्तविक है तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे और इसको सॉल्व करके बताओगे। तो हम सॉल्व करें, b² - 4ac = 0, चिल्लाने में सॉल्व करते रहना। k की वैल्यू k² - 4, a की वैल्यू 2, 3 = 0, k² - 3 = 12, 2 = 24, 24 = 0, k = √24 लिख सकते हैं ना इसको, और k = अंदर लिख सकते हैं 4×6=24, सिंपल सा k = इसका रूट बाहर तो +-2√6, और ये हो गया आंसर। किसका आया ये आंसर, बजरंगी भाईजान आंसर आया, बताओ तुम्हारी तो पिक्चर भी आ रही है। अगले बालों के नाम 2√6, हाँ सही बोला, बोला था नहीं, लेकिन एक बात याद रखी प्लस और माइनस होगा ठीक है, इसको मत भूलना क्योंकि रूट से निकलने के बाद नंबर प्लस माइनस में आती है, इसलिए रूट्स को लिखते समय प्लस और माइनस 2√6 लिखते थे ठीक है, इसको नहीं भूलना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है आपको, लेकिन इसमें बताया नहीं गया कि कौन से मेथड से करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, और हमें बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। ओके 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 जस्ट गो सॉल्व इट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समाप्त, डिस्क्रिमिनेंट भी समाप्त हो गया। अब हमें करके बताओ, विविध कर भी खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग नए चैप्टर की तरफ। आज का खतरा तैयार किया हुआ है, बहुत बढ़िया था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब निर्देशांक ज्यामिति, जल्दी से बता दो किसका आंसर क्या आया।
आंसर का पहले देखो कितना टाइम लगी है उसको करने में, जब तीन दुनी छः इट मीन्स सिक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज थ्री एंड टू, जैसा जैसा लिखा है वैसे और दोनों को ऐड करने पे फाइव आ भी जाएगा, देन टू एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो, बोथ ऑफ देम एक्स स्क्वायर वन टू एक्स प्लस थ्री जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, तो यहाँ लिखने के बाद कुछ बचा नहीं तो क्या लिख देंगे बीच में वन, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस का थ्री और x प्लस वन क्योंकि दोनों में ये कॉमन था इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री इट मीन्स x इज इक्वल टू थ्री बाय टू, नेक्स्ट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू माइनस वन, x हैज टू वैल्यूज हैव टू वैल्यूज माइनस का थ्री बाय टू एंड माइनस वन, अरे माइनस का दो माइनस का तीन, अरे माइनस का दो माइनस का तीन कैसे आ गया, मेरा गलत है क्या, सच्ची बताना मेरा गलत है क्या, हमें सदमा दे देते हो आप लोग आंसर स्टेप को डिलीट मार दिया वजन की आंसर बताओ ये सही है तो तुमने लगाया है या जो मैंने किया वो गलत है, अब हमें कंफर्म करके बताओ क्या जो मैंने किया वो गलत है या आपने किया वो सही है, मतलब दोनों तरफ से मैं ही गलत हूँ, यहाँ क्या बात चल रही है, कुछ आंसर की बात करनी है, तुक्का मारा तुक्का जरूर मार दो बाहुबली, ज्यादा तुक्का ना मारा करो, माना कि तुमने किसे मारा था उसका नाम क्या था बाहुबली ने किसको मारा था, बिना सॉल्व करे तुक्का मारोगे बाहुबली, सिक्स और एट नहीं कर सकता, हाँ मतलब फैक्टर नहीं आता रजत बाबू, रजत बाबू फैक्टर नहीं आता, फैक्टर सीख लो पहले, अब हम फैक्टर सिखा देते हैं, ज्यादा ध्यान से देखना, और देखो हमने इसको नोट तो कर लिया होता हम बोल गए नोट नहीं करना, पीछे जाकर के स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना ठीक है बाद में, अब पहले मेरी बात को ध्यान से देखो, फैक्टर करने के लिए आपके पास जो मेथड होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो लगेगा ठीक, ये दिया होता है इतनी बात समझ गए, इसके बाद क्या करना होता है पहले स्टेप जो होता है आपका होता है ए और सी का मल्टीप्लाई, मतलब ए और सी का मल्टीप्लाई कराएंगे जो भी नंबर आ जाता है, मान लेते हैं संख्या आ जाती है डी, जैसे कि इसमें कराया तीन और दो का मल्टीप्लाई आ गया छह, कितना आ गया छह आ गया ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे साइन लगा होता है अगर प्लस लगा है तो जोड़ने पे आएगा और अगर माइनस लगा है तो घटाने पे आएगा, किसके साइन को देखते हैं सी के साइन को देखा जाता है, अगर प्लस लगा है तो दो संख्याएं ऐसी ली जाएंगी जिनको जोड़ने पे बनेगा और अगर माइनस लगा है तो दो संख्याएं ऐसी ली जाएंगी जिनको घटाने पे बनेगा, सिमिलरली यहां पे देखा जाए तो क्या लिखा है प्लस लिखा है, अगर प्लस का साइन लिखा है तो दो ऐसी संख्या ली जाएंगी जिनको जोड़ा जा सके, तो अगर हम लोग छह और एक कंसीडर करेंगे तो छह में से एक हमें घटाना पड़ जाएगा, छह में से एक घटाना पड़ जाएगा तब हमें जाकर के मिलेगा ये वाला बी, मतलब डी को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है या तो प्लस या तो जोड़ने पर ये क्या बन जाए बी, मतलब मिडिल नंबर बन जाता है, मिडिल नंबर बनेगा तो मिडिल नंबर कब बनेगा या तो हम उसे जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है सी के मान पर, सी का मान अगर प्लस में है तो जोड़ा जाएगा अगर माइनस में है तो घटाया जाएगा, उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक, इसलिए यहाँ पे छह और एक ना लेकर के तीन और दो लिया जाएगा, तीन प्लस दो तीन दूनी छह और तीन दो पांच बन करके तैयार हो जाएगा, इसलिए जो फैक्टर बनता है वो थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में x कॉमन हो गया तो ये हो गया टू एक्स प्लस थ्री और सिमिलरली टू एक्स प्लस थ्री यहाँ लिख देंगे बराबर जीरो, जब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ वन लिख दिया जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का थ्री बाई टू, एक आंसर ये आ जाता है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन, एक आंसर ये आ जाता है, क्या बात मेरी समझ में आई जो मैंने पढ़ाया, क्या बात समझ में आई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है,
रजत बाबू बताने का कष्ट करते बताइए सभी को समझ में आ गया रजत? हाँ आ गया, वेरी गुड। चलो सुपरते हैं आगे। बाहुबली जय हो बाहुबली। हमने जो पूछा वो नहीं बताया, किसी को भोजपुरी आती है? पता भोजपुरी आती है? भोजपुरी आती है तो बताओ, मस्ती करेंगे कुछ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्योमेट्री। भोजपुरी आई है बा? नहीं आती। ल ल टक गयो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना वो सबको पता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सबको पता है। नहीं आपको आती? थोड़ी थोड़ी आती है, पिक्चर देखी है ना इसलिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमने बताया कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सिर्फ ये याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की जाती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाएगी, तो वो फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू इफ देयर पॉइंट इज एक्स वन एंड वाई वन एंड सेकेंड वन इज एक्स टू एंड y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 अगर दिया गया है देन रूट ओवर x2 माइनस x1 होल ओवर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ओवर स्क्वायर। बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सूत्र है जिसको खेसारी की खेसारी की नंबर सबकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं और यहाँ x1 y1 x2 y2 d के मान में निकल आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। अब कुछ बातों को और जान लेते हैं। बाय द स्ट्रक्चर मतलब कुछ स्ट्रक्चर हमें इनमें पढ़ने हैं, जैसे कि आपसे कह दिया जाता है कि चेक आउट द पॉइंट्स आर मेक एंड राइट एंगल ट्रायंगल, कि वे एक समकोण बनाते हैं। अगर तीन बिंदुएं दी जाती हैं ए बी सी करके, तीन बिंदुएं दी गई हैं तो आपसे कहा जाता है कि वे समकोण बनाती हैं। समकोण का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस मतलब कर्ण लंब और आधार, कर्ण लंब और आधार ये सब चीजें लगा दी जाती। तो ये तीनों चीजें क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो आपको पता चल जाता है कि जो सबसे लंबी वाली भुजा है उसका स्क्वायर अगर कर दिया जाता है तो दो छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आप बता दोगे कि हाँ अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम कह देंगे ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर आपसे कह दिया जाता है कि वो एक रेक्टेंगुलर है मतलब आयत है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से AB बराबर CD और BC बराबर DA, ठीक है। इस तरीके से दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर रेक्टेंगुलर हो जाए। अगर आपसे कह दिया जाता है कि वर्ग है, वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, मतलब चारों भुजाओं की दूरियां इसमें निकालनी क्या होंगी, दूरियां निकालनी होगी। आप डी की वैल्यू लगाएंगे अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और लगा करके निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये रहे कुछ हिंट है जिनसे हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला आता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, 1/2 करके जो एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन कैंसिल लगाते थे ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कम से कम शुरुआत तो करें इसकी।
फिर ट्रायंगल जब आएगा तो लगाया जाएगा। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट इज 2, -3 एंड 10, y. Y है 10, y. हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 10 यूनिट. गुड, अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जबरदस्त है। आपसे कह रहे हैं y का मान फाइंड आउट करना है, y का मान आपको निकालना है जब डिस्टेंस 10 दी गई है और दो बिंदु ये दी गई हैं, तो इन क्वेश्चन को कैसे लगाएं। तो सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उसे लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चूंकि किसी भी बिंदु में x पॉइंट पहले होता है, इसलिए पहला वाला x1 और इसमें का x2 और यही से y1 और यहाँ का y2 होगा। तो सारी वैल्यूज हमें पता है और इन वैल्यूज को उठा करके इसमें पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू जो बताएगी वो कितनी 10 यूनिट है, तो 10 यहाँ पे रख देंगे इज इक्वल टू रूट ओवर x2, x2 का मान कितना है 10 है, 10 में से 2 घटा देंगे, 10 में से 2 घटा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या y दी गई है y रख देंगे, माइनस का y1 की वैल्यू -3, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है माइनस दी गई है, तो माइनस रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। यहाँ उसी प्रकार से 10 में से 2 चला जाएगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है प्लस, ये बचेगा वाई प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। सोचेंगे इसको हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 100 - 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बच जाता है कितना 36, यू नो दैट। तो 36 बच गया, y प्लस 3 इज का होल स्क्वायर, इधर का रूट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 36 y प्लस 3, इट मींस y प्लस 3 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 * 36, 6 का पावर 6 बार पढ़ने पर 36 आ जाता है, y इज इक्वल टू 6 - 3, देन y इज इक्वल टू 3। फाइनल आंसर क्या आंसर किसी का ये आया था, कोई नहीं कर पाया, और एक गजब, ऐसे कैसे कैसे करोगे फिर इतनी स्लो स्लो कैसे करोगे सवाल बताओ, 3 घंटे ही मिले थे ना पेपर सॉल्व करने के, देख ही लिया होगा हाई स्कूल वाला पेपर कैसे हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी कॉपियां भर रहे हो, है ना। तो बताओ ये समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़े। थोड़ा सा रेस्ट हम भी कर लें, हम लोग भी पता यार चक्कर आता है जब आया नहीं था पर आ गया ना, ठीक है तो बताना पूरी तरीके से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहा जाता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x व्हिच इज इक्विडेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस विल बी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि आपको x एक्सिस पर विच इज क्वाड्रेंट बताया जा रहे हैं आपको फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस, आपको इक्विडिस्टेंस निकालना है, मतलब मान लो कोई पॉइंट दिए गए हैं वे जो है इक्विडिस्टेंस है, मतलब एक पॉइंट कहीं पर भी है, मान लो यहां कहीं पॉइंट दिया गया, ठीक है ये पॉइंट दिया गया,
तो जितनी दूरी इसकी इधर से उतनी दूरी इसकी इधर से है, एक तरीका होता है इस तरीके से लगा लो। दूसरा तरीका होता है ये समझ ले कि ये पॉइंट कहीं यहाँ स्थिर है, एक पॉइंट यहाँ पे स्थिर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्थिर, जितनी दूरी ये वाली है उतनी ही दूरी ये वाली है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जा रहा है जैसे कि इसमें पॉइंट दिए गए हैं, बताया जा रहा है 2, -5, तो 2, -5 कहाँ आ सकता है, 2, -5 इस वाले में पहुंच सकता है, क्योंकि नीचे की वैल्यू माइनस की होती है, ऊपर की वैल्यू ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस माइनस का, ये माइनस का वाई एक्सिस, ये प्लस का वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस प्लस का, ये एक्स एक्सिस माइनस का होता है। तो इस प्रकार से दूसरा वैल्यू दिया गया है -2, -2, -9। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, कहाँ पे होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने बताया कि एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं एक पॉइंट होगा जिसके लिए डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब दोनों तरफ से उसकी डिस्टेंस इक्वल है, ये बताया गया। तो दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है, मींस कि अगर ये ए है ये बी है तो ये अगर ओ मान लेते हैं तो हम क्या करें, ए से ओ की डिस्टेंस मतलब ए ओ निकाल लें इज इक्वल टू यहाँ के पॉइंट क्या मान लें एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो ये एक्स वन और ये एक्स टू के हिसाब से, तो ये एक्स माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, देखो माइनस 2 रखेंगे तो माइनस और एक फॉर्मूले से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, ये मैंने यहाँ लगा दिया। सिमिलरली जो चीज यहाँ लगाएंगे वो यहाँ पे भी लगेगी, ओबी अगर निकालना चाहेंगे तो ओबी क्या होगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, आपसे कहा जा रहा है कि दोनों कहाँ है, इक्वी डिस्टेंस में है। समान दूरी पर है, समानांतर दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन उसमें दिया गया, समानांतर दूरी पर है, उस समय पर ए ओ जो है वो बराबर हो जाएगा बी ओ के, मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस के, तो रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट हटा जाएंगे क्योंकि रूट का अगर इधर हटाएंगे इधर स्क्वायर लग जाएगा, या फिर दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग कर दो तब भी हट जाएगा। अगर हम इसको ओपन करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3 टू जा 6 नहीं 9 दूनी 18 81 ये हो जाएगा 81 और 9 दूना 18x। ठीक है, इधर रहेगा जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 और प्लस का 10y। ओके, अब जो जो चीजें कट रही हैं, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा था, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा था, पूरा पूरा काट दिया। इधर प्लस का 4 है, इधर भी प्लस का 4 है, ये भी पूरा चल बसा, ये प्लस का है वो माइनस का है, इसको धर ले आएंगे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जो जो चीजें इधर उधर करके निकाली जा सकती है उनको निकाल लो, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से बन रहा है ये 4x, ये वाला 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x आ जाएगा, उसके बाद ये 18y था, यहां से 18y बनेगा, सबको इधर ही ले आओ, वाई वाले को उधर भेज दो तो सारा सही होगा। 81 प्लस का 81 माइनस का 25 बराबर 10y और माइनस का प्लस का 18y जुड़ जाएगा। 2 मिनट में आए जी, ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया, किसने नहीं बताया, बता दो मैं, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो ये समझ लो मिस्टेक हो जाएगी, बहुत जरूरी है पढ़ना। अपने 2 मिनट को जल्दी से कवर करो, बाहुबली रारियो चार चार 8x हो जाएगा प्लस का 81 में से 25 गया 11 हो जाएगा 6 बचेगा और यहाँ 7 हो जाएगा 7 से जो गया 5 56 हो गया इज इक्वल टू 28 वाली। ये बताओ इसका आंसर कितना आ रहा था,
इसका आंसर कितना आ रहा था? वैसे बताया गया था कि पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हेंस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस वैल्यू को जीरो रख देंगे तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस का 56 इज इक्वल टू 28 वाई, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो वाई इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 28, 28 दोनों 56 होता है, y इज इक्वल टू आ गया 2, y का मान आ गया 2, x का मान आ गया 0, तो मतलब 0 कॉमा 2 आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या ये है आंसर? यही था बाहुबली आंसर बता दो। माइनस का 7, अच्छा रुक जाओ, रुक 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 उसने कहा है पॉइंट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हेंस वाई इज इक्वल टू जीरो का, अगर एक्स एक्सिस में होगा तो वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 56 इज इक्वल टू जीरो, और 8x इज इक्वल टू माइनस का 56, x इज इक्वल टू माइनस का 56 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स 7, और x इज इक्वल टू माइनस का 7, तब पॉइंट आ जाएगा माइनस का 7 कॉमा 0। हाँ अब ठीक है, ये कर रहे हैं ठीक, ऐसे होगा क्योंकि x एक्स पे अगर पॉइंट है तो y बराबर 0 पुट किया जाएगा, माइनस का 7 कॉमा 0। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्वेश्चन समझ में आया हो या नहीं हो बताओ, तकिया बनाए। बाहुबली कोई क्वेश्चन रह गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? बाहुबली कैन यू गेट इट? अच्छा किसका टर्न देख रहे थे? बारात मुझे लगती है बाहर से बारात मुझे लगती ना, क्योंकि इस समय वही डांस चल रहा है सबसे ज्यादा, नागिन डांस। देखा ही गलत, देखने के फिर भी नहीं देख पाए, गलत बात है। ये क्वेश्चन सामने लगा है कि ये समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन जो सामने लगा है क्या समझ में आ रहा है? शिवरात्रि है कल, इसलिए तो अच्छी बात है। कल तो फिर एंजॉयमेंट होगा, तो फिर कल की क्लास से छुट्टी करते हैं, कल छुट्टी करते फिर हम अपनी कल छुट्टी करते हैं। हाँ करते एक छुट्टी तो हम भी डिजर्व करते हैं, बढ़िया से एक छुट्टी करके बैठेंगे। वैसे भी 1 घंटा 13 मिनट हो गया, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट जनरेटरी पे आओ, जल्दी से करो, आगे बढ़ो बहुत तेजी में, बहुत धीरे धीरे हो रहा है क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। गलत बात है, 1 घंटा होने वाला है, 1.5 घंटे की क्लास में 1 घंटा होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है। कावर कावर लेके जा रहे हैं सर, गुड। मंदिर है पास में ना घर के, इसलिए कोई पास में मंदिर है क्या? कहा जा रहा है, ए पॉइंट दिया गया है 5, -1, बी पॉइंट दिया गया है -3, -2 और सी पॉइंट दिया गया है 1, 8, 3 पॉइंट दिए गए हैं। और आप सब कह रहे हैं कि वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की वर्टिसेस मतलब निर्देशांक है, वर्टिसेस का मतलब होता है निर्देशांक, ए बी सी, तीन वर्टिसेस दी गई हैं ए बी सी, ए बी सी करके तीनों के थे। अब कह रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम द पॉइंट ए फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन मतलब एक मीडियन डाल दीजिए दोनों सी और बी के बीच में, एक मीडियन डाल दीजिए और इसकी लेंथ आपको फाइंड करें, तो मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी डी है और इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है ओ है, सिंपल से लिख लेते हैं ठीक है। और उसके बाद पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए, नेक्स्ट मंदिर मंदिर खेलेंगे, कल कल जाएंगे सब मंदिर घूमने के लिए, बंगोले बंगोले करेंगे, इट्स मीन्स शिवरात्रि। तो ए बी सी और इसका मिड पॉइंट ओ और इसमें पूछा गया है, तो सिंपल सी बात जानते हैं कि अगर कोई लाइन है, दो लाइनें दी गई हैं और दो लाइनों के बीच का मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं, मीडियन के निर्देशांक तो x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ये दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक है। तो दो बिंदु है कौन सी, एक सी बिंदु है दूसरी बी बिंदु है, तो मतलब सी और बी के बीच के निर्देशांक पता करने, मतलब इन दोनों के बीच में हमें यह फॉर्मूला लगा देना। तो मीडियन ओ के पॉइंट पूछे जाएंगे, तो ओ के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, x1 + x2, तो x1 + x2 का मतलब -3 और -1/(-2, -2) + 8/2, ओके तो ये हो जाएगा 3 और 1 = 4 - 4/2, यहां हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, -2, -3, ये सिंपल सा निकला है। पॉइंट ओ, ओ बिंदु निकला है, दूरी कौन सी निकालनी, ए ओ निकालना है, ए ओ को हम लोगों ने माना है डी, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, √(x1 - x2) या √(x2 - x2) (x1)² + (y2 - y1) का अप्लाई कर देंगे, तो ये आपका और ये आपका दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं को लगा दिया जाएगा। जैसे ही दो बिंदुओं को लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और -5 / (+3 - -1) / (+2)² ओके ये लगा दिया, ये 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 लगा दिया, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 × 6 हो जाता है 15, का 5 हासिल लगा, 1 = 4 और 1 = 5 हो जाएगा और 1 हासिल हो जाएगा 6, आंसर आ गया 65, तो √65 आंसर इसका आएगा।
क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए क्या ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया? हाँ गुड। बजरंगी रजत बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको लिखने का तरीका है तो उसको जरूरी है समझना, अगर वो नहीं समझोगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लगा लिया तो आंसर भी बताया, जल्दी से लिख दिया तो आंसर, क्योंकि हमको भी समझ में आ जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा फिर। सो व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलिनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ना कोलिनियर, कोलिनियर हिंदी में मतलब होता है व्हाइट बोर्ड पे लगा रहे हो। अच्छा अच्छा सही है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना सीख लो, जल्दी से सीख लो, फिर मेरे चैनल में तुम पढ़ाने लगना, ठीक है? इसलिए पढ़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बात करते हैं कोलिनियर, कोलिनियर की बात बताओ, कोलिनियर का मतलब होता है समरेखीय। हाँ याद आ गया, ये जो तीन निर्देशांक दिए गए हैं कहा जा रहा है समरेखीय, मतलब एक ही रेखा पर है, कैसे ए बी और इनके बीच में कहना कैसे होगा, मतलब सबके सब एक ही रेखा में है, समरेखी असमरेखी है। तो समरेखी में हम लोग जानते हैं जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1.2 वाला, याद है किसी को? x1 y2 - y3 23 31 12 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्या ये फॉर्मूला किसी को याद है? बताओ जल्दी से, क्या ये फॉर्मूला याद था? नहीं याद है तो बताओ, याद करने का तरीका पता है, या फिर मैंने गलत लिखा है तो बताओ, आखिर है क्या, कुछ तो बता दो, बोल दो जल्दी से, बोल दो अजरंगी शेखित। सही लिखा हमने, तुमको आता है? अगर हमने सही लिखा है तो यहाँ पे जो ट्राइंगल की वैल्यू है उसको कितनी रख देनी है? जीरो रख देनी। जब कोलिनियर की बात कह दी जाती है, कोलिनियर की बात में हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल की वैल्यू को जीरो पुट अप कर देते हैं, और यहाँ पे सारे मान को बराबर जीरो पे कर देते हैं। तो सारे मान रखते चलो, जो x1 की वैल्यू हो गई 2 रख दिया, y2 की वैल्यू यहां से लिख देंगे k -y3 की वैल्यू हो जाएगी 7 लिख दिया, प्लस x2 की वैल्यू 5 रख दिया, y3 की वैल्यू 7 रख दिया, y1 की वैल्यू 3 रख दिया, प्लस x3 की वैल्यू 6 रख दिया, 6 y1 की वैल्यू 3 रख दिया, y2 की वैल्यू k रख दिया, बराबर क्या कर दिया जीरो, क्योंकि 1.2 था वो क्या चला जाएगा, चला जाएगा उसका मान हो जाएगा जीरो। यहां पर ऐसे लिख देना बराबर जीरो, ठीक है? अब इसका मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा 2k माइनस का 7 × 14 7 × 35 7 × 5 = 15 6 × 3 = 18 6 × 6 = 0 k ये हो जाएगा 4k माइनस का 4k, और ये देखो तुम्हारा माइनस का, ये माइनस का, 15 माइनस का 14 15 जुड़ जाएगा, वैसे 18 और 35 जुड़ जाएगा, 14 15 जुड़ने पे 5 6 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 35 18 जुड़ के 8 5 13 हो जाएगा, 3 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 10 का 53 बराबर का 0 आ गया। ठीक 4k को उठा करके उधर भेज दो, क्योंकि 4k एचडी क्वालिटी की वीडियोस होती है तो उनको उधर भेज दिया जाता है, 4k जो है उधर चले जाते हैं, और बचता क्या 53 में से 29 चला जाता है, तो 53 में से 29 गया, यहां हो जाएगा 13 13 में से 9 गया तो बचा 4, ठीक? उसके बाद यहां बचा 4 4 में से 2 गया तो बचा 2 24 आ गया, 6 4 को 24 के इक्वल्स टू 24 क्योंकि 53 पड़ा था इसलिए प्लस की संख्या बची है और k की वैल्यू आ गई है 6। आंसर किसका आया हमसे पहले? कोलिनियर में 1/2 नहीं लगता। हाँ नहीं लगाते हैं, लेकिन मैंने बताया कि ट्रायंगल का फॉर्मूला ही जो है वो कोलिनियर बन जाता है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही है, कोलिनियर में 1/2 नहीं लगता, वो जो 1/2 होता है इस 2 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाता है और वो 0 पूरा पूरा हो जाता है, 6
फिर भी स्लो है, हमसे पहले आंसर निकालो। फॉर्मूला लिखने के बाद देखते हैं, कंपटीशन करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर निकाल के बताओ हमसे पहले कौन निकालता है। आपका आ गया सबसे पहले, ठीक है। फिर से एक बार एक क्वेश्चन पे और, ओके, एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और आप लोगों को आंसर हमसे पहले बता देना है लिख करके, ओके। कंपटीशन है, अटेम्प्ट कर रहे हो, जल्दी बताओ हाँ या ना में जवाब दो। पहले कोई सॉल्व नहीं करेंगे, हम कहेंगे तभी सॉल्व करना, बेमानी हो जाती नहीं तो हम समझाते रह जाते हैं, तो आप लोग सॉल्व कर दोगे। 1, 2 and C = 2, 1। किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, बताओ तो हाँ या ना। Prove x plus y is equals to 50। हाँ ठीक है, तो अब आपके पास क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आपके पास ए बी सी तीन पॉइंट है, ये एक तीनों किसके पॉइंट है, ट्राइंगल के पॉइंट है, और जो ट्राइंगल की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 6 आ रहा है, तो प्रूफ करना है x plus y is equal to 15। स्टार्ट करो, लगाना शुरू करो। तो एरिया 1/2 इट्स मीन x1 y2 - y3 23, x2 y3 - y1 31, x3 y1 - y2 12, 23, 31, 12, इसकी वैल्यू हो गई 6 1/2, x1 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू हो गई 2, y3 की वैल्यू हो गई 1, प्लस x2 की वैल्यू हो गई 1, y3 की वैल्यू हो गई 1 माइनस y हो गई, प्लस का x3 की वैल्यू हो गई 2, और y1 की वैल्यू हो गई y, और y2 की वैल्यू हो गई 2। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12। ये तो सिंपल सा 12 निकल रहा है। अब यहां से तो तीन और ट्रांसफर होना है, इसका जब अंतर गुणा करोगे हो जाएगा 2x - 1, प्लस इसका जो गुणा करोगे 1 और माइनस का y, नहीं रहेगा x बन जाएगा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई 2x और ये 1। अगर घटाना चाहते हो तो घटा कर भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहां जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो जाएगा 2y - 4। किसी का आंसर आया, हम रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी बताओ, कोई है जो आंसर निकाल के आया हो, जल्दी से बता दो। आया, हम रुके हुए हैं, यहां हो जाएगा 3 माइनस का तो ये 12, एक्स प्लस वाई माइनस का 3, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 12 में से 3। हाँ, जब कम से कम किसी ने तो किया, हम हार गए, ठीक, लो हमने भी लिख दिया, जो चीज पहले से पता थी उसी को प्रूव कर दिया। 15, बजरंगी कहां हो, हमारा आंसर नहीं आया अभी तक। 15, चलो ठीक है 15, इतनी देर से बताते हो 15। ये भी क्वेश्चन कर लिया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी लगा लिया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खत्म, बस 15 15 15 15 15 15 15 15 हो गया, जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब क्लास को और करना है या क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए, अब ये बताओ पहले जल्दी से, क्योंकि अगर क्लास करते हैं तो अभी आगे कम से कम 1.5 घंटे की क्लास और चलेगी, और 1.5 घंटे की क्लास चलाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा सबके लिए, है ना। और टाइम हो गया है अभी 9 बजे का टाइम, तो अभी 9 ही बजा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। मेरे फोन की बैटरी 69, उसको चलो ठीक है, और लैपटॉप में चार्जिंग पे लगा दिया, बट और कैसे सर जी आप कमेंट नहीं देते, कमेंट कैसे देखेंगे, कमेंट मेरे पास आएगा तब देखेंगे ना। कमेंट मेरे पास जब आएगा तभी देखेंगे, थोड़ा सा स्लो आता है, थोड़ा सा
क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा स्लो रह जाता है तो उसको करना पड़ता है। 12 बजे तक, ओए 12 बजे तक क्लास करनी है, पता 9 बज चुका है। परमिशन के थ्रू अगर किसी से परमिशन ले करके अगर क्लास करनी हो ना, तो उसे कहा गया था 1.5 घंटे की क्लास, ऑलरेडी 1.5 घंटा होने वाला है। अब 12 बजे तक के मतलब कैसे चल सकता है, 12 बजे मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। 12 बजे तक, 12 बजे तक जगना भी तो बड़ी बात होती है, 12 बजे तक कभी जगते ही नहीं है, 3 बजे सो जाते हैं बस, 12 बजे तक नहीं जगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लैकिंग करेंगे ना। एक बजे मैं जाऊंगा, हाँ तो मैंने बताया तो 12 बजे तक जगता कौन है, 1 बजे बताओ, 1 बजे सो जाओगे, अगर 1 बजे सो जाओगे तो 12 बजे तक कैसे जगोगे, ट्रिग्नोमेट्री, हाँ हमको पता है इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ही है, क्वेश्चन भी है, पर एक चैप्टर और ठीक है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, सो जाओगे, सोओगे क्यों, पढ़ना है सुनना क्यों है, जितना पढ़ाया उतना पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री ठीक, वाह राइटिंग अच्छी हो रही मेरी है ना, राइटिंग अच्छी हो रही ना। ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री सबको बहुत पहले से आती है क्योंकि कैंटीन में हमने लगवाई थी और प्रैक्टिस भी अच्छे से कराई थी, तो उसी का ही क्वेश्चंस को देखते हैं। सोना नहीं है, राइटिंग मेरी अच्छी हो रही है, सोना तो लोगों को बिल्कुल भी नहीं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए की वैल्यू बताओ। 12 बजे तक स्टडी करेंगे और 1 बजे जाऊंगा, हाँ तो 1 बजे तक घर में बैठ करके पढ़ाई करनी है, जरूरी नहीं मेरे साथ करनी है, अपने साथ भी कर सकते हो, पढ़ाई का मतलब होता है अपने साथ स्टडी करना। चलो आंसर बताओ अच्छा इसका जल्दी से, सीधे सी बात है पाइथागोरस लगानी है और इसके हिसाब से 3 और 5, अगर ये 5 है तो 5 25 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा 16, और 16 का मतलब 4 नीचे कितना आ गया, 4 आ गया, तो कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 फाइनल आंसर, 4/5 बहुत सही 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाइंड थीटा, थीटा बताओ कितना है, थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, इट मींस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 60 degree, and theta is equals to 60 degree. Am I right or wrong? Good, right. Next one. 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 plus cos square 90, what is the value of that expression? 60 60 60 60 60 bus 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 bus
अच्छा तुम्हारे ये चैट इतनी डिले क्यों करके आ रही है? एक्चुअली चैट में थोड़ा सा डिले हो रहा है स्ट्रीम सॉफ्टवेयर। एक मिनट का डिले देख लेता हूँ, क्या डिले लगा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं लगा है, कस्टमाइजेशन में भी एरर है, ट्रेलर ऐड कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, चैट में कोई डिले विले नहीं है, फिर भी डिले आ रहा है थोड़ा सा। 67.12 ये देखो ये छापा गया, ये किताब से छापा गया, हम आ ही नहीं सकते इतनी जल्दी आंसर निकाल दिया, विश्वास ही नहीं होता। cos 60 का मान कितना होता है ना बाहुबली, उन्होंने छापा है ना किताब से, गलत बात होती है, किताब से छाप के आंसर नहीं बताया जाता है। रजत बाबू बताओ आंसर कितना आया, जल्दी से बताओ, इस बार बैक कैसे रह गए? 60 लिख दिया था, आंसर लिखने में उतना देरी कर दी। तो 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sin 60 का स्क्वायर। 30 का मान कितना होता है? √3 स्क्वायर। 10 45 का मान 1 होता है प्लस cos 90 का मान 0 होता है। छोड़ दो उसको, खत्म हो गया। ये हो गया 5/4 हो गया प्लस 4/4 हो गया माइनस का 1 प्लस का 0 छोड़ दो। 4 3 12 16 हो जाएगा, 16 5 3 15 16 चौके 64 डिवाइडेड बाई 4 3 12 16 हो गया, 5 4 9 हो गया और 6 5 6 7 79 हो गया। 79 डिवाइड बाई 79 डिवाइड बाई 12 कैसे 66 क्या 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 आंसर? नहीं 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 तो क्या गड़बड़ हुआ है? वैल्यू बताओ कौन सी गलत हुई है? हाँ 69 क्या गलत क्या हुआ जल्दी बताओ। नहीं नहीं तो ठीक है आंसर बताओ जल्दी से, क्या गलत क्या हुआ? कौन सी वैल्यू गलत रखी? 90 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, सेट 30 की वैल्यू क्या होती है? 2.3 ठीक है, 4 हो जाएगा। 60 की वैल्यू 1.2 टाइम से क्या गलत हुआ है जल्दी बताओ। यहाँ पे चैट नहीं आ रही है तो इतना स्लो होता है। इतनी देर बाद बताते जो हम खुद देख लेते हैं, क्या फायदा है इतनी देर बाद बताने का? हाँ अब चिल्लाते रहो, अब चिल्लाते रहो। इतना डिले चल रहा है उसको मैं 67.5 सही है ब्रो। मजा तो आ रही होगी ना कि नहीं आ रही है? आंसर बताओ इसका, चलो निकालो। 5 60/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 √3/2 का होल स्क्वायर, सेम चीज वही है और माइनस का 1 ये हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर उससे सर 69/12 कमेंट नहीं देखते जल्दी, कमेंट आती नहीं है बच्चा। लैपटॉप खराब, लैपटॉप भी खराब है बहुत सही। अरे लैपटॉप भी खराब है, मेरा तो लैपटॉप भी खराब है, गुड है, सही है, ये भी सही है। इसका आंसर 67.12 आएगा, क्यों? क्योंकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो नीचे का मान तो 1 ही हो गया, खत्म, बच गया क्या, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 67 अपॉन 12 आ जाता है पूरी पूरी वैल्यू सेम पुराने क्वेश्चन की तरीके है। कमेंट नहीं देखते, कमेंट कैसे देखी जल्दी जब कमेंट नहीं आती, अब ये सर्वर प्रॉब्लम है या यूट्यूब की प्रॉब्लम है ये किसी को नहीं समझ आती, क्योंकि डिले नहीं लगा रखा है, विदाउट एनी डिले भी डिले, बिना किसी डिले के भी हम डिले हैं। साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26, सॉरी फाइंड a वेयर a इज एक्यूट वैल्यू, कोई नहीं उदय यादव, हाँ सभी लोग हैं, क्यों परेशान, सभी लोग हैं, आप आके पढ़ रखे हैं तो पढ़ लीजिए, बाकी सब लोग हैं। ओके इसमें अगर हम लोग क्या करें, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका मतलब अगर हम लिख दें कॉस 90 माइनस 3a तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस 36, पूरा बड़ा साफ साफ लिख जाएगा, ये कॉस से कॉस तो है चल बसे, ये कहां गए चल बसे, ये चल बसे तो ये हो गया 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26, फाइनल आ गया, ये मिल गया। ओके ये मिलने के बाद क्या करते हैं, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको उधर भेजते हैं और इसको इधर लिया, तो उस हिसाब से a प्लस जब इसको उधर भेजेंगे तो 3a और इधर यहां लिखा है 90, इसको लाएंगे तो प्लस का 26 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो देखो 116 आ रहा है, अगर जब इसको डिवाइड करते हैं तब क्या बनेगा, तब देखते हैं क्या बन रहा है, तो 116 डिवाइडेड बाय 4 इट मींस 116 डिवाइडेड बाय 4 बताओ क्या बनेगा, 29 सर, ओके सर 29 मतलब 2 बार में जाएगा तो आ जाएगा 4 दूनी 8, यहां बचेगा 8 3 11 हो गया 36 और 9 4 36 इट मींस a इज इक्वल्स टू 29 डिग्री, a का मान आ गया 29 डिग्री, फाइनल आंसर बस 29। अच्छा इतना ज्यादा लिख दिया, एक्चुअली सच्ची में आज कुछ ज्यादा ही डिले हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं वैसे वैसे हमें दिख तो बिल्कुल ना दे। आदित्य सिंह आप आ गए, बधाई हो आपको, कल कहाँ थे, कल मैथमेटिक्स का जितना बड़ा चैप्टर सॉल्व कराया था आप गायब थे, गलत बात है ना, गायब नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a 92 is equals to cos cot cos नहीं cot cot a minus 18 degree, find the value of a where 2a is a acute angle, where 2r is equal to acute angle, देख रहे हैं आप लोग, आप सबके साथ हमारे बिहार टॉपर इंद्र यादव जी भी आ गए, बिहार के टॉपर हैं, एक्चुअली ये तो एक बड़ी बात होगी, वी गॉट अ बिहार टॉपर उदय सिंह। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहां लग जाएगा कॉट कॉट 2a 90 माइनस 2a 90 माइनस 2a ओके cot a माइनस 18 डिग्री, cot टू cot चल बसे, बचा क्या 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, a को क्या करते हैं इसे उधर भेज देते हैं 18 को उधर ले आते हैं, तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 19 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 18 डिग्री, ये हो गया 3, इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 मिला करके बन जाएगा 108, 108 को जब डिवाइड मारेंगे तो 108 डिवाइडेड बाय 3 व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, 3 3 9 6 3 18 3 3 9 देखो 9 लिख दिया तो आ गया 36 डिग्री। वारे बजरंगी क्या बात है, मैथ 99% था मार्क्स था, गुड गुड वेरी गुड, बधाई हो आपको, हाई स्कूल में इंटरव्यू
आदित्य का 26 है, 26 26 नहीं आएगा, 36 आएगा आदित्य। सच में आप गलती में करो आदित्य हमसे कम। और यादव जी आपको बधाई हो, 99 मार्क्स आपके मैथ्स में थे, तो किसमें थे, इंटर में या हाई स्कूल में? इन ट्रायंगल ए बी सी ओके प्रूफ करना है आपको सेक बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉस सेक ए बाय 2। प्रूफ करके बताइए। आज आदित्य E6 36 हाँ ठीक है 36 इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। तो इन क्वेश्चनों को आपको लगाना जरूर है, वैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंत में आ चुके हैं, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी फिर से। अगर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई तो फिर बचेगा क्या, कुछ नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस तो कई बार लगा चुके हैं, फिर से एक बार लगा लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या करना है, इसमें सेम फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, बिकॉज इट इज अ ट्रायंगल, देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, इट मीन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए। और इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड में सेक ऑफ 180 माइनस ए, b प्लस सी के लिए आप डायरेक्ट लिख देते हैं 180 माइनस ए मतलब डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 90, ये बन जाएगा sec 90 माइनस ए बाय 2, और sec 90 माइनस ए बाय 2 क्वाड्रेंट से बन जाएगा cosec, इसमें बदल जाएगा cosec a अपॉन 2, और ये फाइनल आंसर मतलब राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, a प्लस b प्लस सी बराबर 180। ठीक है, गुड 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 गुड, बधाई हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस लगा लेते हो तो सॉल्व हो जाएगा। आदित्य मैंने आपके जो टेबल दी थी, आपने क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक मतलब फोटोज भेजी थी, वो मैंने देखी थी, उनको जल्दी ही सॉल्व करके हम आप तक पहुंचा देंगे। इफ टैन ए इज इक्वल्स टू कॉट बी, देन प्रूव ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बताइए कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, याद बताइए याद क्वेश्चन कैसे करा जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा टैन को ही चेंज कर देते हैं और आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक, किसी एक को ले लेते हैं, कॉट अगर लिख देते हैं 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी लिख सकते हैं। ठीक, कॉट से कॉस तो चल बसा, बचा क्या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, इस में 90 माइनस इसको उधर भी देते तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 40 बी इक्वल 60। ऐसा भी सॉल्व नहीं करना था, वो दिखाना था कि प्रूफ ए प्लस बी बराबर 0, बस यही दिखा दे रहा था, कुछ और नहीं करना है इसमें। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस कल करें क्लास, आज की क्लास में यहीं पे रफा दफा करते हैं, रजत क्लास को रफा दफा करते हैं, है ना, क्लास को रफा दफा किया जाता है यहीं पर, सबसे अलविदा लिया जाता है और कंटिन्यू लगाया जाता है। देखो आपसे टॉपर मिलने आए थे बिहार के, जिन्होंने मैथ में 99% पाया था, वो मिल करके चले गए हैं, तो अब हम भी चलते हैं क्योंकि मैथ आज लगा ली है अच्छे से, है ना। और अब कल क्वेश्चन लगाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, और उसके आगे का टॉपिक कौन कौन सा बचा हुआ है,
देखो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री थी जो मैंने बताया है अभी तक मैंने जो कवर करा दिया है वो आपके टोटल 5 मार्क्स 18 मार्क्स 5 मार्क्स और 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ठीक है, नहीं 10 मार्क्स और नहीं 10 ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क्स की ये सब मैंने दिखाया था। हाँ सर जी को बहुत ज्यादा जल्दी है, सर जी को जल्दी रहती है। 5 5 10 18 ठीक है, ये हो गया 8 1 हासिल 2 और 1 2 और 1 3 38 टोटल 38 मार्क्स का अभी तक की मैंने पढ़ा दिया है। और भी और क्यों बस करो, इतना 38 मार्क्स का अभी तक की आपने पढ़ लिया है। ठीक, अब आने वाला है क्योंकि पेपर आपका जो है वो 21 तारीख को है ना, 21 को मैथ पेपर 21 को है और टुडे है 17 तारीख और 17 तारीख में आपने क्या किया 38 तक की तैयार कर लिया है। अभी कौन कौन सा दिन बचा है हमारे पास, 18 है 19 है 20 है, ये 3 दिन बाकी रह गए। 3 दिनों में क्या करेंगे हम, अभी आने वाले जितने चैप्टर बचे हैं मतलब कौन कौन से 12 10 10 बस 3 बचे हैं। एक 10 नंबर का 10 नंबर में ये मेंसुरेशन के 10 नंबर है, ये स्टैटिस्टिक्स के 10 नंबर है। मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स मतलब पता है कि क्या होता है, क्या करोगे सर जी जो है ना बहुत पर्सनल काम करते हैं इस वजह से रुक जाएंगे। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 20 इसके बाद बचेगा जो आपका ट्रायंगल वाला था। हाँ ट्रायंगल वाला मतलब ज्योमेट्री से, उसमें से भी मैं आपके 5 नंबर तो पक्के करा ही दूंगा। जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन का, हाँ खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, अब अकेले रहते तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा इसलिए। ठीक है बताएंगे तुम्हें, खाना बना करके ही बताएंगे है ना, अकेले रहने वालों के साथ ये होती घटना। तो 10 10 5 इतने क्वेश्चंस रह गए हैं जो और पढ़ने हैं, तो उस हिसाब से 10 10 20 ये हो जाएगा 58 58 5 8 8 13 कितना हो जाएगा 58 13 63 तो 70 में 63 नंबर तो हम आपको दिला ही देंगे। बचेंगे 30 मार्क्स वो आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। 30 मार्क्स कहां से मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगे। तो स्कूल से मिलने के बाद आपको मिल जाएंगे टोटल के टोटल 93 नंबर मतलब 90 क्रॉस। शादी कर लेंगे, काहे के लिए फंसाना चाहते हो, मैं अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा समय बीतने दो, अभी आजाद जिंदगी जीने दो, और जब तक आजाद जिंदगी जी रहे हैं तब तक बढ़िया है सच्चे सारे। शादी नहीं की जाती, गलत बात होती है, जल्दी मत सोचो है ना, शादी करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है, फर्जी को भी फंस जाओगे, फिर सुबह जाओ शाम को, अब सुबह जाओ शाम को करना पड़ जाएगा, इसलिए एक समय आएगा तब की जाएगी शादी, जब तक नहीं होता तब तक मैनेज करो अपने हाथों से, इन हाथों ये हाथ देखो, इन हाथों से रोटियां बनाओ और खाओ। माना कि दूसरे के हाथ की रोटियां खाओगे लेकिन उसके साथ सब कुछ और भी होगा फिर, इसलिए उससे बचना है तो पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, और शादी का डेली डिस्कशन बंद करो, शादी 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 बस करो शादी। ठीक है, तो इतना हम लोग कर लेंगे, उसको मिला करके आपके हो जाएंगे 93 नंबर। मैथ में से 93 नंबर मैं कोशिश करूंगा कि आपके आ जाए, ठीक है, और 93 नंबरों को छोड़ना नहीं है। ठीक है सर, बताओ एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल लीव, मैं छुट्टी लूंगा। बोलो कोई क्वेश्चन है या चले, दिस इनफ। नहीं ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं फटाफट से, क्योंकि वैसे भी 9 मिनट बचा है, 2 घंटे की क्लास हो गई है तो क्लास काफी लंबी खींच दी है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए हास्ता ला विस्ता, ओके क्लोज इट।